गाइस रात का टाइम है और हम दो भाई पूरे गांव की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बाढ़ में कौन कौन फंस रहा है और कौन कहां किसे करना है, हम लोग की जिम्मेदारी बन रही है और पूरा देख दिखा रहा हूं आप सभी को वीडियो। और चलिए पूरा वीडियो बनाते चल रहा हूं। और चलिए पहले नदी के पास जाने, पहले नारदा भी नदी हो गया। देखो छोटा बच्चा कहीं बहने जाए, यहाँ से मतलब पानी पूरा पानी पानी ही लग रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। एक कुत्ता भी फंस गया, पानी आ गया। मैं कहा गाइस आप लोग देख सकते हो पूरा पानी पानी है और हम लोग पूरे गांव की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और गाइस अभी कुछ टाइम पहले आया था ना, तो ये इट्टा पत्थर मतलब अंदर था है और हमने इसको निकाला, वीडियो नहीं बना पाया। चलिए इसको हम फिर से मतलब कुछ दूर पे रख के जा रहा हूँ। अब सुबह आके दिखाऊंगा आप सभी को, अगर ये पत्थर कोई नहीं हटाएगा ना तो हम आप सभी को दिखा के जाएंगे कि मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। फिलहाल टाइम ज़्यादा हो रहा है और आप सभी टाइम भी दिखा रहा हूँ कि टाइम कितना टाइम हो रहा है। ये 7:39 हो रहा है और एक दो फोटो शूट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे और सुबह आएंगे आप कितना पानी बढ़ा है। और इधर भी आप देख सकते हो कितना पानी बढ़ा है। और उस टाइम मतलब ये वाला पत्थर वहाँ पे रख गया था अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले गया था, सॉरी 1.5 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ। और यहाँ तक पानी आ गया, आपको दिखा रहा हूँ ये सब पानी ही है और देख सकते हो ये सब पानी है, मतलब दिख नहीं रहा आपको मोबाइल से। और यहाँ से और इतना दूर से इस पत्थर को रख के जा रहा हूँ और सुबह के टाइम आऊँगा दिखाऊँगा कितना बढ़ रहा है और हमें ज़्यादा मज़ा आता है पानी में। गाइस जो पत्थर मैंने रखा था ना उसे छुट्टा मार दिया और ये वाला ईटा रख के जा रहा हूँ साइड में, इस वजह से रख के जा रहा हूँ कि ताकि कोई अगर बीच में रहेगा ना तो कोई पत्थर आगे हटा भी देगा नहीं तो हट भी जाएगा, इसकी वजह से इसको साइड में रख के जा रहा हूँ। और यहाँ पे पत्थर है, पानी यहाँ तक आ चुका है और चले भाई। हम लोग सुबह फिर जाके भाई ईट देखेंगे, ये ईट जा देंगे।